जो कोशिश करते हैं खुद के वजूद बनाने में, फतेह उनकी ही होती है मैदानों में। कांटों से हो रहे चुभन की भी परवाह ना हो, उसे तो बस मजा आता है खुद को आजमाने में। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं जो देवों की नगरी देवघर में रहते हैं। गौ पालन के क्षेत्र में इन्होंने कामयाबी की नई मिसाल पेश की है, और फर्श से अर्श तक का सफर आखिर ये कैसे पहुंच पाए, आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। हाय पूजा। पूजा, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चल पड़ी? मैं तो अभी देवघर के रास्ते में हूँ, आज तुम्हें वहीं लेकर चलूंगी। देवघर, बाबा नगर? या जय भोले बाबा, मुझे रास्ते भर दर्शन कराती रहना। और इस रास्ते में पता है बहुत सी अद्भुत चीजें आती हैं, और उसमें से एक है फुसरोकोल माइंस। अब हम है फुसरोकोल माइंस क्षेत्र में, जो कि बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में पड़ता है। यह रांची से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह पूरा क्षेत्र कोयला के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, और झारखंड के विकास में इसका भारी योगदान है। अपना झारखंड विविधताओं से भरा प्रदेश है, जंगल, पहाड़, नदी, झरने यहाँ का सौंदर्य है। झारखंड आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र भी है। देवघर के रास्ते में पारसनाथ की पहाड़ियां भी आती हैं, जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। ये गिरिडीह जिले में पड़ता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थांकरों ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। ये जैनियों का विश्व प्रसिद्ध स्थान है, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ से देवघर की दूरी है लगभग 104 किलोमीटर। देवघर को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं की आध्यात्मिकता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये पूरे विश्व में प्रख्यात है। ये झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है। इसके आसपास के क्षेत्र में और भी कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। सावन के महीने में तो यहाँ काफी उत्साह और उमंग होता है। दुनिया के कोने कोने से लाखों लाख की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ये है देवघर का सत्संग चौक। यहाँ से दाहिनी तरफ जो सड़क जा रही है वो सीधा बाबा धाम मंदिर जाएगी, और यहाँ से जो बाई सड़क जा रही है हमें उसी सड़क में जाना है। ये हमें ले जाएगी रोहिणी, जहाँ सुनील सत्संगी जी का गौपालन केंद्र है, यानी मोदी डेरी। लो, हम मोदी डेरी पहुँच गए। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मैडम जी, मैं रांची से आई हूँ, मेरा नाम दीपा हुआ। बहुत सुना है आपकी कहानी के बारे में, आपकी कामयाबी के बारे में, तो सोचा क्यों ना खुद से देख लूँ आपकी कहानी थोड़ा और करीब से, तो आपका काम देखने आई हूँ। पर सबसे पहले मैं आपका फार्म देखना चाहूंगी, तो फार्म देखते देखते बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। सुनील जी, यहाँ तो काफी सारी गायें दिख रही है, तो लगभग कितनी गायें होंगी यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 80 गाय है। और कौन कौन सी नस्लों की गायें हैं? साहिवाल है, होल्स्टीन फ्रिजियन है, जर्सी है, ज्यादातर क्रॉस ब्रीड है। अच्छा, तो कितने दूध का उत्पादन हो जाता होगा? अभी कुल मिला के लगभग 4-4.5 क्विंटल के आसपास का प्रोडक्शन है। आपको आज लोग मिल्क किंग के रूप में जानते हैं, आपने बहुत नाम कमा लिया है, और मोदी डेयरी एक ब्रांड है, और काफ़ी कम उम्र है आपकी मैं देख सकती हूँ, और इतनी कम उम्र में आप इतने फेमस हो चुके हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? एक्चुअली इसकी शुरुआत हमारे अंकल ने 1989 में करी थी, एक गाय और दो भैंस से। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने स्ट्रगल से डेयरी को आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने लगन से मोदी डेयरी को एक ब्रांड के रूप में मार्केट में इस्टेब्लिश किया, और फिर उनकी मेहनत का परिणाम था और उनके समर्पण का नतीजा था कि ये डेयरी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, और हम लोगों के लिए एक सुविधाजनक स्थिति उन्होंने तैयार करके रख दी थी। तो सुनील जी, जैसा आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे,
पर आप इसे मजबूरी कहें या संयोग, आपके जीवन की दिशा का परिवर्तन हुआ। तो क्या आप हमेशा से पशुपालन में की तरफ आपका रुझान था, कभी भी जुड़े हुए थे इससे, कभी सोचा था कि आप पशुपालन एज अ प्रोफेशन आप चुनेंगे अपने लिए? दरअसल ऐसा था कि जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरा एक ही टारगेट था, या तो मुझे UPSC क्रॉस करना है, अदरवाइज अपना बिजनेस करना है। इतनी सारी गाय हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बहुत सारा वेस्टेज भी जाता होगा, तो आप वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एक्चुअली हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। इस सिस्टम में जो हमारे डेयरी की जो स्लरी होती है उसको हम 3 चैम्बर से होकर रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके फिर एक स्टॉक पॉइंट पे हम लोग जमा करते हैं, और फिर वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज से उसका यूज़ कर लेते हैं। दीपा जी, ये हमारे डेयरी के पीछे का पार्ट है, और ये हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम देखिए। यहाँ से जो डेयरी का वेस्ट वाटर आता है वो पानी एक बार यहाँ पे रिफाइन होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो रिफाइन 2 चैम्बर और बने हैं जिसमें रिफाइन होके फिर वो अपने स्टॉक पॉइंट में जाता है। सुनील जी, आपने जैसे बताया कि सूखे चारे की बात हो या हरे चारे की, दोनों का व्यवस्था आपने खुद से कर रखा है, यानी कि खुद अपने फार्म में आप उगाते हैं, बाजार से नहीं खरीदते हैं, तो मैं वो फार्म देखना चाहूंगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग मूल खेती भी नहीं कर रहे हैं, तो आपने चारा, ये हरे चारे की खेती के बारे में क्यों सोचा? असल में ऐसा है ना कि खेती बहुत फायदेमंद धंधा है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें कुछ मिनिमम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यदि वो मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास है तो आप खेती में काफ़ी अच्छा फायदा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे आपके पास सिंचाई की प्रॉपर सुविधा हो, जैविक खेती की और आपका रुझान हो, तो आपका खेती का सौदा जो है काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। हरे चारे की खेती करते समय हमारे ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है वो ये कि हम ऐसी चीज़ों की खेती करें जो कई बार कटिंग दे, जैसे बरसीम, जई, बाजरा, सुडान, ये सब ऐसी फसलें हैं जिनके हम कई बार कटिंग करते हैं, और ये हमारे डेयरी के हरे चारे के रिक्वायरमेंट के अनुकूल है। सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि सूखे चारे को आप कम देते हैं और हरा चारा ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, तो कोई एक रेशियो है जिसको आप मेंटेन करते हैं? जो हमारे डेयरी पे नियम है वो ये है कि एक टाइम जो है हम लोग सूखा चारा देते हैं और एक टाइम पूर्णतः ग्रीन फॉडर देते हैं। तो ग्रीन फॉडर में हल्का बिचाली या गेहूं का भूसा मिला मिक्स करके हम लोग गाय को सप्लाई देते हैं, गाय को पूर्ति करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक समय का सूखा चारे की हमारी पूरी बचत हो जाती है। इसके अलावा अब गायों को संपूर्ण पोषण के वास्ते बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो सिर्फ ग्रीन फॉडर से पूरी नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हम लोग मिनरल मिक्सचर भी अपना खुद का तैयार करते हैं। तो जब ये हम लोग दाने का निर्माण करते हैं तो आप देखिए कि दाना देखने में भी काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी उत्तम है। ये जो दाना है वो गायों को जो हम लोग देते हैं तो उसका एक तरीका है। जो हम लोग चारा देते हैं, चाहे वो हरा चारा हो चाहे सूखा चारा हो, उन दोनों को देने के पश्चात तो उसमें इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर वो गायों के लिए जाता है, सप्लाई होता है। अपना कुछ दूध होटलों को भी देते हैं और बाकी बचे दूध काय, पनीर, छेना आदि बनाकर उसे बेचते हैं।
इनका एक अपना मिठाई का दुकान भी है। आज मैं जहां पर बैठा हुआ हूं, ये मोदी डेयरी है और इसकी शुरुआत ये सुनील सतंगी के मतलब जो है चाचा जी थे, उन्होंने शुरू की थी। और उन्होंने एक ये संकल्प लिया था कि मैं मतलब लोगों को कैसे मतलब और रोजगार से और सभी को लगाऊं और मैं समाज सेवा करूं। उस समय मतलब जो है 3 गाय और 2 भैंस से मतलब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और मैंने उनको कहा था कि आप एक संकल्प लें कि 1 क्विंटल दूध मतलब हम हर महीना देते रहें। मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूंगा कि आप मतलब हमारे मोदी डेयरी से जुड़े और जुड़ने के बाद अगर आपका मतलब दूध कहीं नहीं मार्केट में बिकता है तो आप हमारे मोदी डेयरी में दूध भी दे सकते हैं। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको अगर मोदी डेयरी में आप दूध देंगे तो आपको यहां से हरा चारा भी कम मतलब समय समय पर हर एक चीज आपकी जानकारी मिलती रहेगी, हर एक तरह से मतलब आपको सुविधा मिलेगी। और कभी अगर आपको पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी तो हम पूंजी के द्वारा मोदी डेयरी आपको मतलब खड़ा उतरने के लिए तैयार रहेगा। झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ 1 अगस्त 2014 से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसको ऑपरेशन मैनेज कर रही है। और देवघर डेयरी को हम लोगों ने 1 सितंबर 2014 से लिया, तब से लेकर अब तक हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे गांव के स्तर पर डेयरी डेवलपमेंट किया जाए, दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। और इसी क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक किसान हर गाँव में हम लोग टेस्टिंग सेंटर लगा रहे हैं, वहीं पर लोगों का सैंपल टेस्ट होता है, दोनों ही टाइम उनके दूध के नमूने को जाँच किया जाता है और हर एक 10 दिन में उनके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में करीब 18.5 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, जबकि अपने राज्य झारखंड में प्रतिदिन लगभग 60 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। अभी झारखंड मिल्क फेडरेशन 16 जिलों के 2000 गाँव के 20,000 दूध उत्पादकों से 650 संग्रह केंद्रों के द्वारा लगभग 1.5 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रहा है। लो हम तुम्हें बता दें कि गौ पालन के क्षेत्र में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब हम यहाँ से चलेंगे एक ऐसी महिला से मिलने जिन्होंने दूध उत्पादन के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित किया है। हाँ पूजा, तो तुम पूछ रही थी ना उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्रीमती निकिता कुमारी, जो मधुपुर प्रखंड के कंडबिंधा गांव में रहती हैं। लो हम आ गए कंडबिंधा गांव। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो आइए मिलते हैं निकिता जी से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। नमस्ते निकिता जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ।
जी मेरा नाम दीपा है, मैं रांची से आई हूँ। बहुत सुना है आपके काम के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी आपके काम के लिए। धन्यवाद। बेहतरीन काम कर रही हैं आप दूध के क्षेत्र में और काफ़ी महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं, और क्योंकि डेयरी ने आपकी पहचान बनाई है तो क्यों ना हम डेयरी चलकर फिर बातों की शुरुआत करें। आइए चलिए। जी निकिता जी, लगता है हम आपकी डेयरी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये हमारी डायरी है, चलिए आपको अंदर दिखाती हूँ। जी हाँ चलिए, अंदर चलकर देखते हैं। बहुत सारी गायें हैं निकिता जी यहाँ, तो कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं? अधिकतर तो HF नस्ल की है और एक दो सहवाल है, बाकी जर्सी है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं सारी गाय। निकिता जी, गौपालन की शुरुआत आपने कब की? मैंने इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2018 को किया था। जी, और जब शुरुआती दिन थे तो आपके परिवार का, इस समाज का क्या रिएक्शन था? मेरे परिवार वाले का तो कोई रिएक्शन नहीं था, वो हमारे पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि अच्छे कार्य हैं, इसे करना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और क्या सोच कर किया था, क्योंकि महिलाओं को हमने देखा है कि अक्सर अगर वो एज अ प्रोफेशन चुनती भी हैं तो ब्यूटी पार्लर खोलती हैं या कपड़े या सिलाई बुनाई, पर गौ पालन को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मेरे घर में पहले से ही गायें थी, तो मेरे पति ने ऐसा कहा कि अगर हम अधिक गाय ले लें और उससे अगर हमारे कुछ बेनिफिट हो जाए तो कैसा रहेगा। तो फिर मैंने इस पे सोचा और उन्होंने कहा कि मैं घर पे रहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, गाय अच्छी रहेगी क्योंकि मैं घर पे भी रहूँगी और अपने परिवार वालों की भी देखभाल कर लूँगी, तो दोनों कामें हो जाएंगी मेरी। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि हाँ, ये करना चाहिए काम। निकिता जी, इन 40 गायों से कितने दूध का उत्पादन हो जाता है और उस दूध का मार्केटिंग कैसे करती हैं आप? इन 40 गायों से मुझे लगभग 250 लीटर दूध उत्पादन हो जाता है। इसका मार्केटिंग हम मेघा डायरी को दूध देते हैं, उनसे होता है, क्योंकि ये छोटे गांव है और इसमें मतलब इतना दूध तो लेने वाला कोई है नहीं कि यहाँ पर सारे गाँव में सबके यहाँ पर एक एक गाय होती हैं, और इसीलिए हम सारे दूध को मेघा डायरी को दिया करते हैं। निकिता जी, कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 तो कैसे संभाल लेती हैं, ये काम भी, घर परिवार भी, सारा कुछ एक साथ कैसे कर पा रही हैं? कि मेरे फैमिली मेंबर मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, तो सारे पिताजी तो कभी कभी आके हमारा डायरी का काम भी देखते हैं, माँ हमारे बच्चे को संभालती हैं, इसी तरह हम सारे मिलके सब चीज़ को संभाल लेते हैं। जी, और आप जब शादी करके आई थी तब की स्थिति क्या थी और अभी तक में क्या बदलाव आया है? बहुत सारी बदलाव आई है। जब मैं शादी करके आई थी तो यहाँ पे 5 गायें थी और धीरे धीरे हमारी 40 गायें हो गई, तो इससे तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बहुत सारे बदलाव हों ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। कितनी संतुष्ट हैं आप अपनी ज़िंदगी से? 95% तो संतुष्ट हूँ और अभी 5% लगभग बाकी है। क्या करेंगे वो 5% क्या है जो बाकी रह गया है? मैं सोच रही हूँ कि मेरे पति आगे भी थोड़ा और मतलब आगे बिजनेस करें ताकि हमारा मतलब और नाम हो, हमारे फैमिली का नाम हो, हमारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। निकिता जी, डेयरी के माध्यम से आप कितने लोगों को रोज़गार दे रही हैं, और कभी सोचा था क्या कि आप भी एक ऐसे पोजिशन में आएंगी किसी दिन कि दूसरे लोगों को रोज़गार दे पाएंगी आप? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने थ्रू और भी 10 परिवार को रोज़गार दे सकूं या फिर मेरे द्वारा उनका परिवार चले, उनका खर्च चले, नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं एक डायरी फॉर्म चलाऊंगी, लेकिन ऐसा लगभग धीरे धीरे हुआ कि मेरे साथ और भी लोग जुड़ने लगे, उन्हें भी काम मिला, मेरे मतलब मेरे थ्रू उनका भी परिवार चल रहा है। बहुत सारे ऐसे गाँव में लोग हैं जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, मैंने उनसे कहा कि आके हमारे साथ जुड़ें,
तो उन्होंने आके मेरे साथ जुड़ा, तो उन्हें लगा कि लगभग ऐसा काम करना चाहिए, तो वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा है। निकिता जी, आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में आपके परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, खासकर कि आपके पति देव का, तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। शुरुआत करने से पहले पति से मैं बात किया हूं कि घर का आमदनी को बढ़ाया जाए और घर में रह के वो जो है कुछ काम करना चाहिए। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, मैं दूसरे काम से व्यस्त रहती हूँ, तो मेरे को लगा कि पत्नी को इसमें समझा के काम करवाने से जो है अच्छा रहता है और आमदनी कुछ बढ़े। और पत्नी पहले तो थोड़ा सा हाँ ना की, फिर बाद में बोली कि ठीक है, ऐसा बात है तो आमदनी को बढ़ाया जाना चाहिए। फिर जो है वो जो है 5 गाय से शुरुआत हम लोग किए और 5 से आज 40 गाय है। और ये सारे डेयरी का प्रोजेक्ट को सारा वो देखती है और लेबर पेमेंट, चाहे वो चारा मंगवाना, चाहे वो कोई भी तरह का मतलब मैनेजमेंट हो, वो सारा वो करती है। पहले ये सरप्लस दूध संग्रहण केंद्र में देती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बाजार में भुगतान को लेकर समस्या आ रही है, तब ये सारा दूध सेंटर को देने लगी, क्योंकि यहाँ भुगतान समय पर और सीधे खाते के माध्यम से हो रहा था। ये जब आए थे इनके लिए बड़ी समस्या थी गांव में। हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल महिलाओं को आगे आना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और 1-2 गाय से पहले शुरुआत किया, फिर सरकार से स्कीम लिया और अभी उनके पास 35-40 गायें हैं और प्रतिदिन हमें 200 लीटर दूध वो हमारे सेंटर में पोर करती हैं। आज ही प्रतिदिन 200 लीटर दूध का उत्पादन कर महीने में 2 लाख रुपए की आमदनी कर रही हैं। निकिता की कामयाबी ने ना सिर्फ उन्हें एक पहचान दिलाई, बल्कि ये लोगों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज इसी गांव में इनसे प्रेरणा पाकर दूसरी महिलाएं भी गाय पालन की ओर कदम बढ़ा रही हैं। कहते हैं, मन में विश्वास हो तो आसमान की बुलंदियों को छूना भी आसान हो जाता है। और सुनील सत्संगी जी और निकिता जी की कहानी को देखकर तो यही लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है। मेरे जहन में कुछ पंक्तियां आ रही हैं कि बढ़े चलो, खुद में विश्वास भरो, मंजिल तो कदमों में होगी, संघर्षों से भी क्या घबराना, सबसे बुरा है सपनों का मर जाना। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। एक ऐसी ही अद्भुत और अनोखी कहानी के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जोहार जोहार। क्रीडा क्रीडा क्रीडा।